मुंबई महानगर पालिका की पाठशाला जयंतीलाल वैष्णव मार्ग मनपा शाला संकुल में ये रंगोली स्पर्धा भराई गई है। आदरणीय प्रवीण वैद्य जी की स्मृति में, जो हमसे भी कुछ दिन पहले ही बिछड़ गए, महादेव गोपाले द्वारा बनाई गई ये कलाकृति बेजोड़ अप्रतिम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आईना दिखाती हुई कलाकृति। महादेव गोपाले दर्शक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रुपेश एटम की बहुत लाजवाब कलाकृति। आंखें देखिए ऐसे फूल ढोंगी बाबा की आंखें। बड़े राम जादव की ये आय का हिम्मत। श्रुति कृपाल वसई से है। संजय पाटिल ने रंगोली निकाली। योगेश सकपाल ये आज के समाज में महिलाओं की स्थिति बयां करती हुई ये कलाकृति। रत्नेश भोगड़े कन्याओं को अंधश्रद्धा के चलते उनको अध्ययन नहीं करने दिया जाता, पूरा पान रह गया, और देवदासियां जैसी कुप्रथा के खिलाफ उनको आईना दिखाते हुए ये प्रथमेश भोगले की कृति। उदय रावल और ये आगे आगे वाला भाग तो ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन पीछे किसी का पृष्ठ भाग मंदार मस्कर ने बहुत एक एक रंग चूड़ियां दी। और बता दें आपको कि ये रंगोली कलाकृति है। मुंबई के घाट पोपर में हर साल पिछले 40 साल से ये कलाकृति प्रवीण वैद्य जी के मार्गदर्शन में की जा रही थी। इस बार एटम साहब ने संभाला है, सुरेश पाटिल जी और बेटी बचाओ। ये सुंदर दृश्य सदी के नायक अमिताभ बच्चन साहब इनके बारे में बताने की जरूरत आपको नहीं है, आप सब जानते हैं। ये आज के शादी को मजवार की कलाकृति देखिए, फिल्मों में मागे कैरेक्टर में आपको अक्सर दिखती हैं। ये जगदीश कातड़कर, विनोद खन्ना साहब जो अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इस स्मृति में भी संतोष सुतार ने बहुत बढ़िया। और ये दादी माँ, आप सभी को अपना बचपन याद आता होगा, वो बड़े खुशनसीब हैं जिनकी दादी या दादा उनको इस तरह से संस्कार में जीवन जीने के लिए।
प्रेरित करते हैं प्रशांत यादव की रचना जगदीश नीलेश की। देखिए सिस्टम को थप्पड़ मारता हुआ ये बहुत सुंदर कुत्ता, लोग केयर कर रहे हैं बच्चे को, देखिए मर रहा है कुत्ता, खा मोटा हो रहा है बच्चा, कुपोषण का शिकार। तो भाई इस हुस्न पे कौन न मर जाए यारो, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। किशोर एटम की रचना। एक एक अंग को देखिए, लगता ही नहीं कि हाँ ये रंगोली से, ऐसे लगे किसने पेंटिंग किया या फोटो रखी है, पेंटिंग फोटो नहीं है, रंगोली। फिर से बता दें पिछले 40 साल से ये मुंबई के घाटों पर दिवाली के अवसर पर रंगोली प्रदर्शनी रखी जाती है, हजारों लाखों के लोग यहाँ आते हैं देखने को। दिनेश भैरम करके कलाकृति चालता ही प्रणव सर्वे की जी। कलाकार जो अपनी कला पे ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी कला अपने आप बोल पड़ती है। सिद्धेश भोगले और एलिफेंटन रोड पर अभी जो घटना हुई, धक्का मुक्की चेंगरा चेंगरी की, उसका जवाबदार कौन है? बारीकी से देखिए, अंदर 100 पड़े हैं ब्रिज के और ब्रिज के ऊपर समाज सेवक चढ़ के उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो हृदय विदारक घटना को कोई भूल नहीं पाएगा। अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए भाइयों बहनों। धन्यवाद।